स्किल के नाम पे 2015 में पीएम मोदी ने स्किल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया था कि भैया यूथ को स्किल्ड बनाया जाएगा। साल 2023 तक इसके अंदर 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को ट्रेन किया गया और 22 लाख लोगों को जॉब मिली है। लेकिन ये ओपन लेटर भाई आपको ये बात नहीं बताएगा कि स्किल इंडिया प्रोग्राम जब लॉन्च हुआ था तो उसका स्टेटेड गोल क्या था। भाई साहब उसका स्टेटेड गोल था कि 2022 तक 40 करोड़ वर्कर्स को स्किल करना है। और अगर मैं इसी की बात मानूं ऑन फेस वैल्यू तो कितने लोगों को स्किल करा स्किल इंडिया ने? 1 करोड़ लोगों को। गोल कितना था? 40 करोड़। और करा कितने को है? 1 करोड़। भाई साहब इंडिया हर साल 2.5 करोड़ बच्चे तो जन्म लेते हैं यहां पर। अब मैं आपको सारी बात पर्सपेक्टिव में समझाता हूँ। प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट संतोष मेहरोत्रा लिखते हैं कि द वर्कफोर्स शेयर दैट वाज फॉर्मली वोकेशनली एजुकेटेड या ट्रेंड इन 2012 वाज 2.3% और इसके 10 सालों के बाद इन 2022-23 दैट शेयर हैड बेयरली मूव टू 2.4%। मीनवाइल इन एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा रिपोर्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इन इट्स 3 versions द टोटल ट्रेंड वर 1.8 मिलियन 4.5 मिलियन एंड 0.4 मिलियन इन PMKVY 1-2-3 और इन ईच ऑफ द PMKVY फ्रॉम 2018-23 क्यूमुलेटिवली 14% 43% एंड 7% वर प्लेस्ड इन द जॉब्स। और वो लिखते हैं दैट टेल्स अस व्हाट द क्वांटिटेटिव रीच प्लस क्वालिटेटिव आउटकम इज ऑफ दीज प्रोग्राम्स। लेकिन ये बात ये भाई थोड़ी बताएगा आपको।